अच्छा ट्रैक्टर मार्च रहा है और ये जो हमारा ट्रैक्टर मार्च इसलिए ताकि किसानों की आवाज जो हमारे किसानों के साथ ज्यादती और अत्याचार हो रहा है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए है। कल जो टोल भरी हुए थे वो भी इसी मैटर में हुए थे और आज जो ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी जो आवाज है जन जन तक जाए कि सरकार किसानों के साथ ज्यादती और अन्याय कर रही है और हम वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हरियाणा सरकार और सेंटर के अंदर सरकार ध्यान रखे, जिस दिन भी हमारे लीडरों का गुरुओं का जिस दिन भी निर्देश आदेश होगा हम दिल्ली की छाती पे आके बैठेंगे और सरकार को जड़ से उखाड़ने का फेंकने का काम करेंगे। और ये भी ध्यान रखे, पीछे भी तुमने क्या क्या बोला था वो थोड़ा अपनी जबान में कंट्रोल रखे, दोबारा अगर उसी हम उस रूप में आना नहीं चाहते जो आप लोग बता देते हैं। हमारे सारी चीजें हमारे को आती है करनी है, कभी ये सोचेगी किसान कुछ नहीं जानता, किसान पढ़ा लिखा भी है, किसान पैसों वाला भी है, किसान लड़ने वाला भी है, किसान अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला भी है और सरकार चाहती है कि किसान उपद्रव मचाए, हम बिल्कुल नहीं मचाएंगे, हम कानून के रखवाले हैं, कानून का विश्वास रखते हैं और सरकार ध्यान रखेगी हम जल्दी से जल्दी एमएसपी लेके रहेंगे और ये भी ध्यान रखेगी हम अपना आंदोलन जल्दी जीत की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रैक्टर मार्च रहा है और ये जो हमारा ट्रैक्टर मार्च इसलिए ताकि किसानों की आवाज जो हमारे किसानों के साथ ज्यादती और अत्याचार हो रहा है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए है। कल जो टोल भरी हुए थे वो भी इसी मैटर में हुए थे और आज जो ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी जो आवाज है जन जन तक जाए कि सरकार किसानों के साथ ज्यादती और अन्याय कर रही है और हम वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हरियाणा सरकार और सेंटर के अंदर सरकार ध्यान रखे, जिस दिन भी हमारे लीडरों का गुरुओं का जिस दिन भी निर्देश आदेश होगा हम दिल्ली की छाती पे आके बैठेंगे और सरकार को जड़ से उखाड़ने का फेंकने का काम करेंगे। और ये भी ध्यान रखे, पीछे भी तुमने क्या क्या बोला था वो थोड़ा अपनी जबान में कंट्रोल रखे, दोबारा अगर उसी हम उस रूप में आना नहीं चाहते जो आप लोग बता देते हैं। हमारे सारी चीजें हमारे को आती है करनी है, कभी ये सोचेगी किसान कुछ नहीं जानता, किसान पढ़ा लिखा भी है, किसान पैसों वाला भी है, किसान लड़ने वाला भी है, किसान अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला भी है और सरकार चाहती है कि किसान उपद्रव मचाए, हम बिल्कुल नहीं मचाएंगे, हम कानून के रखवाले हैं, कानून का विश्वास रखते हैं और सरकार ध्यान रखेगी हम जल्दी से जल्दी एमएसपी लेके रहेंगे और ये भी ध्यान रखेगी हम अपना आंदोलन जल्दी जीत की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रैक्टर मार्च रहा है और ये जो हमारा ट्रैक्टर मार्च इसलिए ताकि किसानों की आवाज जो हमारे किसानों के साथ ज्यादती और अत्याचार हो रहा है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए है। कल जो टोल भरी हुए थे वो भी इसी मैटर में हुए थे और आज जो ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी जो आवाज है जन जन तक जाए कि सरकार किसानों के साथ ज्यादती और अन्याय कर रही है और हम वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हरियाणा सरकार और सेंटर के अंदर सरकार ध्यान रखे, जिस दिन भी हमारे लीडरों का गुरुओं का जिस दिन भी निर्देश आदेश होगा हम दिल्ली की छाती पे आके बैठेंगे और सरकार को जड़ से उखाड़ने का फेंकने का काम करेंगे। और ये भी ध्यान रखे, पीछे भी तुमने क्या क्या बोला था वो थोड़ा अपनी जबान में कंट्रोल रखे, दोबारा अगर उसी हम उस रूप में आना नहीं चाहते जो आप लोग बता देते हैं। हमारे सारी चीजें हमारे को आती है करनी है, कभी ये सोचेगी किसान कुछ नहीं जानता, किसान पढ़ा लिखा भी है, किसान पैसों वाला भी है, किसान लड़ने वाला भी है, किसान अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला भी है और सरकार चाहती है कि किसान उपद्रव मचाए, हम बिल्कुल नहीं मचाएंगे, हम कानून के रखवाले हैं, कानून का विश्वास रखते हैं और सरकार ध्यान रखेगी हम जल्दी से जल्दी एमएसपी लेके रहेंगे और ये भी ध्यान रखेगी हम अपना आंदोलन जल्दी जीत की तरफ जा रहे हैं।